बैटिंग हमारी फ्लॉप शो था इस सॉर्ट ऑफ कंपटीशन में, और बॉलिंग भी कुछ खास नहीं चली, खासतौर से भारत के खिलाफ। सो हर शोबे में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और मैं समझता हूँ आज का जो मैच हार रहे हैं ये एक तरह से आफ्टर इफेक्ट है जो भारत की डिफीट थी, इसलिए कि कॉन्फिडेंस एकदम से डेंट हो गया उस डिफीट के बाद। और हल अबला तो अच्छा किया, नॉर्मल सिचुएशन में पाकिस्तान ऐसे मुकाबले जीत जाता है, जो क्लोज मैचेस होते हैं ऑफ लेट ये अच्छा फाइट करके और जीत जाते हैं, मगर मुझे ऐसे लगा जैसे कि उस डिफीट की वजह से ये इतनी वो हिम्मत नहीं रही, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी और इतना ज्यादा सेल्फ बिलीफ नहीं था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। इन द एंड टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो सवालिया निशान बहुत सारे हैं, आपकी अप्रोच, आपने किस तरह से बड़ी टीम के खिलाफ खेलना है, आपकी यू नो सिलेक्शन के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो आपके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको आप कितना चांस देंगे। बहुत ज्यादा कईयों को चांस मिलता है, कईयों को बिल्कुल नहीं मिलता। आपने आज हारिस को खिलाया, उसको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया, फखर जमान को खिला दिया जो आउट ऑफ फॉर्म थे, और फिर जो इमामुल हक थे वो बैक स्पैज़म, एक अजीब तरह से इंजरी हो गई उनको, और इसी तरह से साउथ शकील को बुखार हो गया। देखें जब डेस्परेट सिचुएशन होती है ना, जो फिर इस तरह के प्लेयर्स को हाफ फिट भी खेल जाना चाहिए। और मैंने एग्जांपल दी थी 92 वर्ल्ड कप में इमामुल हक की, जो कि सेमीफाइनल में जब खेले थे तो वो नहीं खेल रहे थे वो मैच, इसलिए कि सारी रात वो उनको बुखार था, उनका पेट लूज था, वो दवाइयां खाते रहे, सुबह आके उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेल रहा, उनको खिलाया गया और वो सेमीफाइनल जिता गए हमें। तो कई दफा ऐसी आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है हाफ फिट होके, क्योंकि इमामुल हक तो फॉर्म में थे और साउथ शकील सिंह को इतना अच्छा खेलते हैं। तो ये भी चीज देखनी है कि आपको कई दफा टीम की खातिर खड़े होना है, और इस तरह की कोई भी 100% फिट नहीं होता क्रिकेट में हर दफा। तो ये भी दो धक्के लगे पाकिस्तान को सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो रमीज राजा साहब, जिस तरह से आपने बात की, फखर जमान की भी बात की और ओपनिंग प्लेयर हैं हमारे, हम देख रहे हैं कि उनकी गुज़िश्ता 10 इनिंग्स में वो जो कामयाबी थी और जो जिस तरह से उनकी कारकर्दगी थी, खास तौर पे कोई कामयाबी वो खातिर ख्वाह हासिल ना कर सके, तो क्या अब हमें बैटिंग में और बॉलिंग में तब्दीलियां करने की जरूरत है? देखिए, तब्दीलियों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई थिंक ये रियलाइज करना है कि सर्टन प्लेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ शेप हैं, सर्टन प्लेयर्स जो हैं जो फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको आपने बैट करना है और बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना है। आई थिंक पाकिस्तान की एक जो बहुत बड़ा फ्लॉ रहा है ऑफ लेट वो यही है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने से ये कतराते रहे हैं और एक कॉम्बिनेशन पकड़ लेते हैं और फिर वो कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस करते हैं हर कंडीशन पे विक्ट्री। ऐसा नहीं होता है, आपको हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करने की जरूरत है। जैसी पिच, जैसी कंडीशंस, जैसी ऑपोजिशन, उस हिसाब से आप अपना कॉम्बिनेशन खिलाएं। आई थिंक एट टाइम्स बहुत ज्यादा हम एक रेगुलर कॉम्बिनेशन से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और उस कॉम्बिनेशन में अगर प्लेयर्स कुछ फ्लॉप भी हो रहे हैं फिर भी उनको बहुत सारे मौके दे देते हैं। तो लेकिन रमीज राजा साहब, फखर जमान को तो काफी मौके मिलते रहे हैं, अगर हम कप्तान की बात करें तो क्या अब बाबर आजम जो कप्तान हैं वर्ल्ड कप में भी उन पर मुकम्मल एतमाद करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए कि अब तो टाइम ही नहीं है। और उनको भी सोचना है कि क्या क्या गलतियां उनसे हो रही हैं फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो जो नाजुक मराहल में क्यों नहीं वो मैच को क्लोज आउट कर सके, और कहाँ कहाँ पे उनको और ज्यादा एग्रेसिव होना है, कहाँ पे बॉलर्स को एग्रेसिव होना है। मैं समझता हूँ कि बॉलर्स को अपनी फील्ड खुद सेट करनी चाहिए और थोड़ा सा पाकिस्तान जो है वो रमीज साहब, जैसे कि आपने कहा कि बॉलर्स को एक्टिव होने की जरूरत है, कौमी टीम के हेड कोच ने भी कहा है कि ये एक वेकअप कॉल है, जैसे कि हम भारत से हारे हैं तो कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा मुत्तहिद होकर, तो ये मुत्तहिद कब होंगे और कैसे बेहतर होगी कारकर्दगी? फिर कोच को जो है वो सरमन के बजाय आई थिंक एक्शन करने की अब जरूरत है और सबको कलेक्टिवली जो है काम करना है। फैंस बददिल जरूर होंगे, बट ये बहुत बड़ा सीजन है पाकिस्तान का और वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप एक और तरह का चैलेंज होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि एक अच्छी प्रोफेशनल टीम है और ज्यादा जीते हैं ये मैच ऑफ लेट के, हारे नहीं है, सो डिसअपॉइंटमेंट को साइड पे करके एंड वर्ल्ड कप के जब शुरू होगा तो इस टीम को बैक करना है और इन्हीं प्लेयर्स से ही आपको काम लेना है, इंस्पायर करना है इनको। हाँ, दो एक चेंजेस हो सकती हैं, बट ओवरऑल जो आपका न्यूक्लियस है वो इन्हीं प्लेयर्स से ही बनेगा।
रमी साहब, अब अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो हमने देखा कि एशिया कप में भी 300 350 तो आम था, तो इतना तो स्कोर हो जाता है। तो अब वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान को किस तरह से इस मॉडर्न क्रिकेट के लिए तैयार होकर जाना होगा, मैदान में उतरना होगा आपके मुताबिक? देखिए, वो पिचेस और होंगी, वो कंडीशंस और होंगी। श्रीलंका की थोड़ी सी पाकिस्तान अनफ्रेंडली कंडीशंस हैं, यहाँ पे गेंद सीम करते हैं, हम सीमिंग कंडीशंस में इतनी खास कोई बैटिंग नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि आपको आइडिया ये इससे यही होता है कि सर्टन प्लेयर सर्टन पिचेस सर्टन कंडीशंस के सुपरस्टार्स हैं, और सबको असल में मेहनत और करनी है, स्किल्स के ऊपर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। भारतीय फास्ट बॉलर्स ने गेंद को ज्यादा स्विंग किया, ज्यादा सीम किया, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने उतनी स्विंग और टीम नहीं की, तो इस मामले को भी बहुत नजदीकी तौर पे देखना पड़ेगा। और फिर यही है कि जो स्पिन है आपकी, उसके ऊपर भी आपको बहुत काम करने की जरूरत है। तो फील्डिंग आपकी बहुत, ग्राउंड फील्डिंग खासतौर पे बहुत इंप्रूव हो, उसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वहां पे कंडीशंस वर्ल्ड कप में जो है वो इससे बेहतर होंगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान वहां पे एटलीस्ट 300 का टारगेट लेके चलेगा। 300 भी आजकल कम है, तो इनको अपने से बढ़ के खेलना पड़ेगा हर मैच में। और मैं सिर्फ उम्मीद यही करता हूँ कि टॉप ऑर्डर जो है वो फंक्शन करे, क्योंकि इस वक्त जो मसले मसाइल हैं वो टॉप ऑर्डर में ज्यादा है, 1, 2 और 3 पोजीशंस के ऊपर। और कुछ मतलब है, फखर फॉर्म में नहीं है, बाबर अभी उस तरह की फॉर्म में नहीं है, तो इन इन चीजों को सॉर्ट आउट होना है।